गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल दक्षा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टैंडर्ड 3 हिंदी सब्जेक्ट। तो आपका फर्स्ट काव्य है कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो नाम है उसका कक्कू, यानी कवि क्या कहता है कि कक्कू का अर्थ कक्कू माने कोयल होता है, यानी कक्कू का अर्थ कोयल होता है, और कोयल की विशेषता है उसकी मीठी बोली। कक्कू की बोली कैसी होती है? मीठी। लेकिन बालक कक्कू अपने नाम के विपरीत है, वो अपने नाम के क्या है? विपरीत है। वह दिन भर रोता है, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए बच्चे उसे क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे चिढ़ाते हैं सक्कू। तो बच्चे उसे क्या? सक्कू कहकर चिढ़ाते हैं। वैसे उसका नाम क्या है? कक्कू। उसके बाद कक्कू माने मिश्री जैसी मिट्टी जिसकी बोली, यह तो जाता बड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको बक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कक्कू का मतलब होता है कोयल, और कोयल की विशेषता कैसी होती है? उसकी मिश्री जैसी मिट्टी बोली। उसकी बोली कैसी होती है? मिश्री जैसी मीठी बोली। यह तो जाता भड़क, यानी उसको कोई सक्कू नाम से बुलाता है, कोई बक्कू नाम से बुलाता है, तो वो क्या करता है? भड़क जाता है। लेकिन बालक कक्कू अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है, वह थोड़ी भी हंसी टिटोली करने पर क्रोधित हो जाता है। उसे कोई चिढ़ाता है तो वो, और अगर उसको तनिक टिटोली, यानी कोई उसके पर हंसी मजाक करता है, हंसी टिटोली करता है, तो वो क्या करता है? क्रोधित हो जाता है। इसलिए बच्चे उसे क्या कहते हैं? बक्कू, बक्कू कहकर बुलाते हैं। वैसे उसका नाम तो क्या है? कक्कू है। उसके बाद कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिट जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम जक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो कवि कहता है कि कक्कू अर्थात कोयल, यानी कक्कू को क्या कहते हैं? कोयल। तो कोयल अपने मीठे बोल के कारण जानी पहचानी जाती है। वो उसका मीठा बोली ऐसा होता है कि हम वो बोले तो हमें तुरंत पता चल जाता कि ये कोयल की आवाज़ है। परंतु कक्कू नामक यह बोलक बालक मीठे बोल बोलना नहीं जानता। ये बालक कक्कू नाम का है, वो कोयल की जैसा मीठे बोल बोलना नहीं जानता है। वह बात बात पर क्या हो जाता है? नाराज़ हो जाता है, यानी मुँह जो सदा फुलाए, वो बात बात पर मुँह फुलाता है, नाराज़ हो जाता है। वह हमेशा क्या करता है? क्रोधित भी हो जाता है। उसे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है। और कवि कहता है कि ऐसे झगड़ालू बालक को हम जक्कू, जक्कू अर्थात यानी कि सब सुन की क्या नहीं सह, वो कुछ भी सुन की क्यों नहीं कह सकते, उसको हम जक्कू भी क्यों नहीं कह सकते, वैसे उसका नाम तो कक्कू ही है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो आपको अपना नाम लिखना है और आपके नाम का क्या मतलब है वो भी सोचना है और बताना है, लिखना है आपकी नोटबुक में। तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम और दोस्त का दिया नाम। यानी कि प्यार वाला नाम में आपको कोई प्यार से क्या बुलाता है? जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए, विशु। विशु को चिढ़ाने वाला नाम क्या है? विषात। और दोस्तों क्या नाम से बुलाते हैं? विशालु। और दूसरा एग्जाम्पल, प्यार से कोई उसको घर पे यानी प्यार से कोई क्या बुलाता है? गोलू। चिढ़ाने वाला नाम यानी उसके दोस्तों यार और दूसरे कोई कैसे चिढ़ाते हैं? तो गोली। और उसके दोस्तों भी उसे गोली कहते। तो ऐसे आपको भी कई उदाहरण लिखने और चिढ़ाने वाले नाम लिखने हैं। तुम्हें
आप सबको यानी मतलब कि आपका नाम लिखना है, प्यार से कौन बोला था, कैसे चिढ़ाने से कैसा नाम से बुलाते हैं और दोस्तों भी क्या नाम से बुलाते हैं वो आपको लिखने का। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्या बुलाया जाता होगा, मतलब कि आपको सोचना है और लिखना है। तो मैंने यहाँ मेरी तरह से सोचकर लिखा है। गप्पू, वह बक बक करने वाला होगा। गप्पू यानी कि क्या, कोई हम भी कोई बक बक करता है तो हम उसको गप्पू बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसको वह बक बक करने वाला होगा। बोली, बोली यानी कोई बोली लड़की ऐसी होती है, उसका उदाहरण देकर हमें उसके नामों से क्या बोला जाता होगा वो लिखने का है। तो वह बहुत सीधी सादी होगी। छुटकी, वह घर में सबसे छोटी होगी, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि घर में कोई सबसे छोटे होंगे तो उसको क्या छुटकी कहकर बुलाता होगा। गोलू, गोलू यहाँ मैंने ऊपर ही दिया है, तो वह गोल बटोल होगा। हम कोई छोटा बच्चा गोल बटोल होता है तो उसको हम क्या गोलू कह के बुलाते हैं ऐसे ही। उसके बाद अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली। बक्कू है, बक्कू यानी हम आगे देख गए थे, यहाँ बक्कू लिखा है यानी कि बक्कू मतलब कि तनिक टिठोली यानी कोई उसकी हंसी मजाक करता है, ऐसा बक्कू कौन है। तो सोनू वीना मैंने मेरी तरह से कुछ कोई भी दोस्त के नाम लिखे, आप भी अपने दोस्त के नाम लिख सकते हैं। वैसे ही जक्कू और गप्पू, तो जक्कू के नाम भी आप को किसी को यहाँ आगे हमें दिखाई दिया जक्कू यानी कोई झगड़ालू होता है तो ऐसे दोस्त के नाम लिखो, और गप्पू यानी जो ज़्यादा बक बक करता है उससे अपने दोस्त के नाम लिखने का। उसके बाद कविता का समय, यहाँ कविता के यहाँ आपको डैश करके दिया है वो ये रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, यहाँ आए की डैश पर आपको लिखना है। चिड़िया के संग गाना गाता, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। उसके बाद यहाँ कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। यहाँ पर आपको लिखने का है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, ये कक्कू नाम का जो लड़का है बालक है वो कोयल जैसा क्यों नहीं है। तो कक्कू कोयल जैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि वह क्या करता है, दिन भर रोता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, कोयल की तरह मीठे मीठे बोल नहीं बोलता बल्कि हमेशा क्या करता है, झगड़ा करता रहता है, इसीलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। उसके बाद नामों की रेल, पांच पांच बच्चों की टोली बना लो, यह हमको क्या करना है घर पे सिर्फ ये ऐसी रमत खेलना है। तो अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखने का। तो यहाँ मैंने कोई भी नाम लिखे है, राजू, मोलू, गोलू, निम्मी, सीमा, रंजन, तो ये सबको आप वर्णमाला आपको याद है ना। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं, हमें वर्णमाला के हिसाब से लगाने का है। वर्णमाला कैसे आती है, क ख ग ऐसे। तो सबसे पहले ग आएगा गोलू, उसके बाद क ख ग ग घ ग च छ ज ज ट ठ ड ढ ऐसे आगे वर्णमाला बोलेंगे तो उसमें न आएगा, उसके बाद र आएगा, तो उसमें हमें दो र दिया है, र राजू और रंजन। तो उसका दूसरा शब्द देखने का, दोनों में र है तो ज, ज दोनों में भी सेम है तो उसका तीसरा शब्द, तो इसमें तो कुछ नहीं है, एक भी शब्द नहीं है, तो पहले राजू आएगा उसके बाद रंजन आएगा और लास्ट में आएगा सीमा। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको आपकी हिंदी की सब्जेक्ट की नोटबुक में नोट डाउन करना है।